नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा सचिवालय में नौकरी पाने का मिला सुनहरा मौका। पंचायत प्रतिनिधियों की खर्च करने वाली राशि हुई तय। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ी स्कीम हुई तैयार। बिहार को मिली एक और एयरपोर्ट की सौगात। रुपेश सिंह मामले में बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबीपीएस ने 5,358 क्लर्क की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए अहम सूचना। एसबीआई के बाद अब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क के लिए 5,358 पद पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त या सरकारी संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा आदि भी अनिवार्य है, जिसके बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर 1 अगस्त से पहले आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है। पंचायत प्रतिनिधियों की खर्च करने वाली राशि हुई तय। पंचायत चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि को तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों को 1 लाख तक खर्च करने की छूट दी गई है। वहीं आगामी चुनाव में मुखिया और सरपंच को 40,000, पंचायत समिति को 30,000, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20,000 तक अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। साथ ही सभी प्रत्याशियों से तय की गई राशि के अंतर्गत ही खर्च करने की अपील की गई है। निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च करने पर अब कार्रवाई हो सकती है। बीते दिन जनता दरबार का हुआ आयोजन। बीते दिन से शुरू हुए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि जनता दरबार को लेकर पहले ही सरकार ने सभी लोगों से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की थी, लेकिन शुरू हुए जनता दरबार वाले दिन ऐसा नहीं देखने को मिला। लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि एन मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सभी लोगों को शांत करते हुए रजिस्ट्रेशन के बाद आने की बात कही है। ज्ञात हो बीते दिन कई लोगों की परेशानी का निपटारा किया गया, साथ ही संबंधित विभाग को भी काम में लगा दिया गया है, जिसके तहत अगर आप भी जनता दरबार जाकर मुख्यमंत्री से अपनी बात कहना चाहते हैं तो पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। बिहार को केंद्र से करोड़ों रुपए तक मिलने की उम्मीद। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान धराशाही हुई बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को अब दुरुस्त करने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए सरकार जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुविधा संपन्न बनाने में जुट गई है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना राहत पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया है कि बिहार को स्वीकृत पैकेज में 700 से 800 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अनुपात में 300 करोड़ रुपए के करीब राज्यांश दिए जाएंगे। इस राशि में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के विस्तृत इंतजाम अस्पतालों में किए जाएंगे। एक और एयरपोर्ट की सौगात। बिहारवासियों को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलने के साथ ही गोपालगंज जिले के सवैया हवाई अड्डे को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब सवैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। इस हवाई सेवा के चालू हो जाने के बाद से बिहार के गोपालगंज के अलावा नजदीक के छपरा, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सवैया एयरपोर्ट के परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए लगातार स्थानीय स्तर पर मांग भी की जा रही है। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नंदकिशोर नवल की। नंदकिशोर नवल हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना संपन्न शीर्षार्थ आलोचकों में से एक के रूप में माने रहे हैं। उनके अध्ययन एवं लेखन का क्षेत्र व्यापक रहा है। निराला एवं मुक्तिबोध उनके अध्ययन के केंद्र में रहे हैं तथा इन दोनों पर उनका लेखन मानक महत्व रखने वाला सिद्ध हुआ है। अपने समकालीन लेखन में नए से नए कवियों पर भी लिखने वाले नवल जी ने तुलसीदास एवं सूरदास से लेकर रीति काव्य तक पर कलम चलाई है। नंदकिशोर नवल का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के चांदपुरा नामक गांव में हुआ था। हिंदी विषय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से निराला का काव्य विकास शीर्षक विषय पर PhD की उपाधि पाई। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय के ही हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां से क्रमशः रीडर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर के उन्होंने अवकाश ग्रहण किया।
जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। अगर हम जिलावार मौसम का हाल जानें तो नालंदा, पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में भी कुछ जगहों पर बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएससी ने की असिस्टेंट उर्दू अनुवादक प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा। सहायक उर्दू अनुवादक के 1294 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि बीते दिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक उर्दू अनुवादक प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल मिलाकर 5322 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसके तहत ही अब उम्मीदवार बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in के जरिए अपने रिजल्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, यह परीक्षा 28 फरवरी को आयोजित की गई थी। परीक्षा को लेकर 15 फरवरी को ही प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया था। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ी स्कीम हुई तैयार। कोरोना की दूसरी लहर से सूबे के ग्रामीण इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब राज्य सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गई है, जिसके तहत ही आने वाले दिनों में सभी 38 जिलों में 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1205 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा राज्य में 118 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी सरकार खोलने जा रही है। बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस काम की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसने निर्माण एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। अगर ये सारे काम समय पर पूरे कर लिए जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं में निश्चित रूप से सुधार आएगा। 85% किसानों को ही मिला अनुदानित बीज। बिहार सरकार की तरफ से किसानों को अनुदानित बीज मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत अब तक बिहार के लगभग 85% यानी कि लगभग 2,16,91 किसानों को अनुदानित बीज देने का काम किया गया है। वहीं 15% किसानों तक अभी भी अनुदानित बीज नहीं पहुंच सका है। सरकारी जानकारों की माने तो 30 जून तक सभी किसानों को बीज उपलब्ध करवाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 15 जून तक राज्यभर में करीब 30,000 क्विंटल बीज का ही वितरण किया गया था। कृषि मंत्री ने इस पर नाराजगी प्रकट की तो समय से बीज उपलब्ध नहीं करवाने वाले 10 जिलों को चिन्हित कर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश के पास पहुंचा भोजपुरी और मगही में अभद्र भाषा का मामला। बिहार के भोजपुरी और मगही के कुछ गाने में इस्तेमाल किए जाने वाले दो अर्थी बोल को लेकर पहले ही काफी चर्चा हो गई है। हालांकि अब ऐसे गानों पर एक्शन की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे भोजपुरी और मगही गानों में अश्लीलता का मामला अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गया है, जिसके तहत बीते दिन आयोजित जनता दरबार में ऐसे गानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामला दर्ज करने वाले फरियादी ने कहा है कि इन दिनों भोजपुरी और मगही के कई गानों में अश्लीलता परोसा जा रहा है, जो कि एक सभ्य समाज के लिए घातक है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवक की बात सुनने के बाद संज्ञान लेते हुए बिहार के चीफ सेक्रेटरी को इस मामले को तत्काल देखने की अपील की है। मीठापुर बस स्टैंड की फिर बढ़ी तारीख। मीठापुर बस स्टैंड को आईएसबीटी बैरिया में शिफ्ट करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जिसके तहत अब मीठापुर बस स्टैंड 20 जुलाई के बाद ही शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले इसका शिफ्ट होना मुश्किल है। जानकारों की माने तो फिलहाल आईएसबीटी में कई तैयारियां बची हुई है, जिसके कारण ही अब जब तक जरूरी तैयारियां पूरी नहीं होगी तब तक मीठापुर में बस स्टैंड को पूरी तरह से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। पहले इसको शिफ्ट करने की तारीख 15 जुलाई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना के नए बस स्टैंड आईएसबीटी बैरिया से रोजाना 600 से ज्यादा बसों का परिचालन हो रहा है। यहां से ज्यादातर निजी बसें खुलती हैं। करीब 250 निजी बस रोजाना बस टर्मिनल पर आ जा रही है। मामले में बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जनवरी महीने में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की जान उनके घर के सामने ही ले ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को तो पकड़ लिया था, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। इसी बीच अब रुपेश सिंह मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत पुलिस ने इस मामले से जुड़े तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आर्यन जायसवाल बताया जा रहा है। वहीं इससे पहले शूटर सौरभ को पटना के कुम्हरार इलाके से पकड़ा गया था, उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे। सौरभ के अलावा इस मामले में ऋतुराज की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और वार्ड प्रत्याशी के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिन पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत पंच और वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही चुनाव मतदान में उतरने के लिए संबंधित व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नामांकन दाखिल के समय अभ्यर्थियों को खुद सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने नामांकन पत्र को दाखिल करना होगा। साथ ही नामांकन दाखिला के वक्त नामांकन शुल्क का रसीद भी दाखिल करना होगा।
लोकसभा में सांसदों की आई अटेंडेंस शीट। लोकसभा में शामिल होने वाले सांसदों की हाजिरी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में जदयू के सांसदों ने बाजी मारी है, जिसके तहत नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार की हाजिरी 100% है। सबसे अधिक 129 सवाल पूछने का रिकॉर्ड भी कौशलेंद्र ने अपने नाम दर्ज किया है। इसके साथ ही ललन सिंह की हाजिरी 92% है। वहीं भागलपुर के जदयू सांसद अजय कुमार मंडल कम हाजिरी वाले राज्य के सांसदों में एक नंबर पर है, वो महज 32% बैठक में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट के अन्य सांसदों की हाजिरी कमजोर है। वीना देवी 96% के साथ सबसे अधिक सक्रिय हैं। वहीं चिराग पासवान 60% बैठक में शामिल हुए हैं। पशुपति कुमार पारस 63% और चंदन सिंह की हाजिरी 74% है। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कही अपनी बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड पर अपनी बात रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो राज्य जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारा मानना है कि सिर्फ कानून से जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं कि जब तक महिलाएं शिक्षित और पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। बिहार में जब हमने बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया तो रिजल्ट दिखने लगा। आज बिहार में प्रजनन दर घटते घटते 3 से नीचे आ गया है। हम समझते हैं कि 2040 के बाद प्रजनन दर घटने लगेगा। हम लोग इसी पर काम करते हैं। बहुत लोगों की सोच है कि सिर्फ कानून बना देने से जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। हमारा ऐसा नहीं सोचना है। लालू यादव को जीतन राम मांझी ने साल 2005 की दिलाई याद। जब से लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं, तब से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव ने अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से घेराव किया था, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि बिहार में महज 120 दिनों में 3,565 मामलों की पुष्टि हुई है। नीतीश कुमार की सरकार में तो अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव के लिए जीतन राम मांझी मैदान में कूद गए। उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि जब भी 2005 से पहले बिहार की याद आती है, रूह कांप उठती है। हर सरकार में कोई ना कोई कमियां जरूर होती है, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व ने बिहार को बदलने का काम किया है। हाँ, कुछ लोग मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए मुंह से ही सूबे में अपराध बढ़ने की बात जरूर करते हैं। मुख्यमंत्री के मंत्री जनकराम ने बिहार में मानी अफसरशाही की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन से जनता दरबार की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत लंबे समय बाद अब मुख्यमंत्री खुद ही जनता की फरियाद सुन रहे हैं। कुछ समय पहले बिहार में अफसरशाही के मुद्दे को उठाया गया था, वहीं अब मुख्यमंत्री के मंत्री जनकराम ने भी अफसरशाही की तरफ इशारा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जनता की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री को ही उनकी समस्या सुननी पड़ती है। किसी को तो आगे आकर जनता की समस्याओं का समाधान तो निकालना ही होगा। परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। नीट यूजी परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अब इस परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को होने वाला है, जिसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत ही उन्होंने बताया है कि नीट 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। हालांकि परीक्षा के दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सेंटर पर कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी छात्रों को मास्क उपलब्ध करवाने की बात भी कही है। साथ ही कोरोना का ध्यान रखते हुए सेंटर को सैनिटाइज भी समय समय पर किया जाएगा। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार पर कसा तंज। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता की फरियाद सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन करवाया था, जहां पर उन्होंने जनता की समस्या सुनी और उनके समाधान के लिए विभाग को भी लगा दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सप्ताह में एक दिन तकरीबन 200 लोगों से मुख्यमंत्री मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूर दराज के जिले से लोग भी यहां आ सके और उनकी समस्या सुनी जाए। इसके साथ ही ने यह भी कहा कि जनता दरबार के लिए अधिकारियों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करना सरकार पर बोझ ही है। पैसे और खर्च हो रहे हैं, लेकिन निदान कुछ भी नहीं निकल रहा है। राजद विधायक भूदेव चौधरी की सदस्यता पर मंडराया खतरा। धौरैया विधानसभा सीट से राजद के विधायक भूदेव चौधरी द्वारा एक पुराने केस को छुपाने के आरोप में राजद विधायक भूदेव चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबरन जमीन हड़प कर कब्जा करने के केस संख्या 468/15 मुजाहिदपुर थाने में लंबित रहने के हल्फनामे में नहीं दर्शाना विधायक भूदेव चौधरी की विधानसभा में सदस्यता के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इस मामले में जदयू की तरफ से मनीष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की थी, जिसके बाद बीते दिन सुनवाई हुई, जिसमें भूदेव चौधरी ने 4 सप्ताह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने उनको केवल 2 दिन की मोहलत दी है, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ने 1803 में 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज की शुरुआत की थी। कोलकाता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने 1905 में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1945 को पारित किया था। हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार सुनीता जैन का जन्म 1941 में आज के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना रॉय का जन्म 1932 में आज के दिन हुआ था।
पूर्व क्रिकेटर दीपदास गुप्ता ने विराट कोहली के एटीट्यूड को लेकर कही अपनी बात। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के एटीट्यूड को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं, क्योंकि विराट एक तरफ तो बेहद ही खुशमिजाज नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदान में उनका गुस्सा भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में विराट के एटीट्यूड को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर दीपदास गुप्ता ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विराट के साथ यह है कि व्यक्तिगत रूप से वो जिस तरह से पेश आते हैं उससे उन्हें खुद को प्रेरित करने में मदद मिलती है। यदि आप उनसे मैदान से बाहर मिलते हैं तो वो सबसे शांत लोगों में से एक है जिनसे आप मिले होंगे। विराट काफी शांत, मृदुभाषी और बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन एक बार जब वो मैदान पर कदम रखते हैं तो उनका नजरिया एकदम बदल जाता है। मुझे लगता है कि यह उनका खुद को प्रेरित करने का तरीका है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,710 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,710 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,100 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.30 रुपए प्रति लीटर था। व्हाट्सएप कॉल के दौरान अब नहीं होगा खर्च अधिक डेटा। अगर आप भी व्हाट्सएप कॉल के दौरान डाटा बचाना चाहते हैं तो हम आज आपको एक खास फीचर के बारे में बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से अब आप अधिक डेटा खर्च होने से बचा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करें, उसके बाद राइट साइड में बने तीन डॉट्स पर क्लिक कर दें। यहां दिए गए सेटिंग्स के ऑप्शंस पर जाएं, अब स्टोरेज और डाटा पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको स्क्रीन पर यूज लेस डाटा फॉर कॉल्स दिखाई देगा, उसे इनेबल कर दें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद सलीम, शंकर मुखिया, सुनील कुमार, गौतम कुमार, अजय कुमार, शशि कुमार, पप्पू कुमार, पंडित ललन, रवि पासवान, पूजा कुमारी, राज खातून, सुभाष प्रसाद सिंह, मुकेश कुमार, अभिषेक सिंह, हर्ष कुमार, टिंकू प्रसाद, अशोक राम, रामपाल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम के और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।